कहानी योन के पास आती है। उसके बाद रियल जीता को दिखाते हैं। वह अपने चाइल्डहुड लव योन को ही देखता रहता है। किमसू को भी अपने घर में ही अच्छी नींद आती है। वह शिन के हेयरपिन को देखता रहता है। मॉर्निंग मशीन उसे उठाने आती है। किमसू उसे हक करके कहता है कि मुझे कल रात सपना आया कि मैं मर चुका हूँ। शिन उसे पुश करती है और पिलो से हिट करती रहती है और किक भी करती है। किमसू सोचता है कि मैं मर चुका हूँ, ये मुझे अब नहीं पहचानती। शिन बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाती है। किमसू कहते हैं कि क्या मैंने तुमसे कहा था इतना सब कुछ बनाने के लिए? जैसा डेली बनाते हो वैसे ही बनाओ, मुझे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट मत करो। शिन उसके आगे से प्लेट हटा देती है। ब्रेकफास्ट के बाद वह हैना को स्कूल छोड़ने जाता है और शिन को कार में नहीं बैठने देता। योन सॉन्ग जे और होंगनान शूटिंग स्पॉट पर आते हैं। योन होंगनान से कहती है कि ये तो मेरे कपड़े हैं। होंगनान कहती है कि तुमने ही ये मुझे दिए थे, क्या वापस चाहिए? दोनों ड्रेसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। योन का बेटा होंगनान को प्रीटी बताता है। योन फिर से चेंज करने के लिए कहती है। दोनों कार के बाहर ही बैठे रहते हैं। दोनों फिर से अपने अपने ड्रेसेस में ही आ जाती हैं। शूटिंग प्लेस होता है सुनजिन स्टोर। होंगनान वांगजू पर गुस्सा करती है। वांगजू जेगू को शूटिंग की परमिशन देने के लिए थैंक यू बोलती है। जेगू कहता है कि मैंने परमिशन नहीं दी। उसका मैनेजर बताता है कि मिस्टर हेजून ने दी है। सैंगचिक किमसू से कहता है कि मैंने कभी रिश्वत नहीं ली, बस एक बार ही ली है और वो भी थोड़ी सी। वे कहते हैं कि अगर तुम काम करते करते मर भी गए फिर भी तुम्हारा प्रेसिडेंट कहेगा कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और सारे स्टाफ से कहता है कि जब ओनर को हमारे हार्डवर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता तो चलो ब्रेक लेते हैं, सब आराम से काम करो। सैंगचिक कहता है कि आपको अपनी फैमिली के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किमसू एक स्टाफ लेडी से बैठने के लिए कहता है और पूछते है कि क्या तुम्हारी बैग ठीक है। सैंगचिक उसे बताता है कि स्टाफ बैठ नहीं सकता। किमसू कहता है कि क्या तुम कभी 10 साल से ऐसे ही खड़े रहे हो? वह मना कर देता है। किमसू दूसरे स्टाफ को चॉकलेट खाने के लिए देता है। सैंगचिक कहता है कि स्टोर में ईटिंग अलाउड नहीं है। किमसू पूरे स्टाफ से कहता है कि अगर थक गए हो तो बैठ जाओ, भूख लगे तो खाना खाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो काम बाद में, पहले अपने बारे में सोचो। और शिन को देखकर चला जाता है। पूरा स्टाफ उसकी तारीफ करता है। डायरेक्टर योन से कहता है कि क्या इतने छोटे से रोल से तुम खुश हो? योन कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगी। किमसू शिन को एक बड़े रेस्टोरेंट में लंच कराने वाला है और कहता है कि जंग के साथ तुम यहीं आई थी ना। शिन पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। किमसू कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, और कहता है कि तुम्हारे साथ अकेले में लंच किए हुए बहुत दिन हो गए। शिन कहती है कि हम तो फर्स्ट टाइम साथ में खा रहे हैं। किमसू कहता है कि पहले कोई था जो मेरे साथ खाना खाता था। वह उसे खाना खाने के लिए कहता है। शिन उसे देखती रहती है। योन का रोल एक वेट्रेस का होता है। सब उसे देखते रहते हैं और प्रीटी बताते हैं। जेगू आकर कहता है कि मेरे स्टोर में आकर ये छोटे रोल करने पर क्या तुम एम्बेरस फील नहीं होता? किमसू भी वहाँ आ जाता है। होंगनान पूछती है कि क्या शिन के साथ सब ठीक चल रहा है। किमसू बताता है कि हमने अभी साथ में लंच किया। होंगनान पूछती है कि क्या खाया। वह उसे डिश का नाम बताता है तो होंगनान उसे हिट करती है। सोंगजो उसे देखकर जेलस फील करता है। बच्चे को देखकर दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। किमसू और होंगनान भी उन दोनों के पास आते हैं। जेगू का बेटा उसे बताता है कि अंकल ने मुझे ये हार्ट दिया। किमसू उसे दोबारा करके दिखाता है। योन कहती है कि मैं शूटिंग के बाद चली जाऊंगी। होंगनान और योन वहाँ से चली जाती हैं। जेगू कहते हैं कि मेरी फैमिली से दूर रहो। किमसू कहते हैं कि अगर तुम्हें फैमिली की वैल्यू पता होती तो तुम किमसू के साथ ऐसा ना करते, और चला जाता है। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। योन नर्वस फील करती है। वांगजू भी योन को इरिटेट करने के लिए डायलॉग्स बोलकर उसे ही टारगेट करती है। होंगनान को गुस्सा आता है। सोंगजी पूछते हैं कि अब क्या करने वाली हो। होंगनान योन का फेस ब्राइट करने की कोशिश करती है। डायरेक्टर उसे वहाँ से हटने के लिए कहता है पर वह नहीं मानती। सोंगजी उसे उठाकर ले जाता है। वह योन से कहती है कि तुम बहुत प्रिटी हो। योन स्माइल करती है और कॉन्फिडेंटली अपना रोल प्ले करती है। हीरो भी हीरोइन को ना देखकर उसे ही देखता रहता है। सारे स्टाफ का फोकस भी उसी पर होता है। डायरेक्टर भी योन पर ही कैमरा जूम कर देता है। सीन कट होने के बाद होंगनान योन से कहती है कि तुम लीड से ज्यादा प्रिटी हो। जेगू उन दोनों को देखता रहता है। जंगशिन को कुछ खाने के लिए देता है। किमसू आकर उसे ले लेता है और खुद खा लेता है। और शिन से पूछता है कि आज हम डिनर में क्या खाएंगे। शिन कहती है कि आप क्या कह रहे हैं सर। किमसू उसे साथ में घर चलने के लिए कहता है। शिन उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है। जंग उसका हाथ हटा देता है। शिन किमसू से कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है। शिन उसे डांट कर कहती है कि हेजून तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? क्या सारे रिच लोग ऐसे ही होते हैं? मेरे हस्बैंड ने तुमसे पैसे लिए थे, मैंने नहीं। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और अगर है तो मुझे जॉब से निकाल दो या मेरे घर से चले जाओ। किमसू कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिन पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है। किमसू कहता है कि मैं तुमसे थोड़ा सा बड़ा हूँ। शिन कहती है कि तुम छोटे दिखते हो, तुम मुझसे रूडली बात कैसे कर सकते हो? किमसू सीधा खड़ा हो जाता है। शिन उसे हटने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद किमसू उसे खूल बताता है। बाहर आकर शिन डरती रहती है और कहती है कि मैंने ठीक किया, पर क्या ये मुझे सच में जॉब से निकाल देगा? तभी उसकी हील टूट जाती है। जंग पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। शिन किमसू को आता देखकर वहाँ से चली जाती है।
जंक्शन को देखता रहता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जेगुक सुचुल से होंगनान के बारे में पूछता है। सुचुल बताता है कि उसका कहना है कि और जीतक पहले साथ में रहते थे, पर मैं सच का पता लगा लूंगा। सुचुल कहता है कि हमारी बिजनेस डील का क्या रहा। जेगुक कहता है कि पहले अपना काम ठीक से करो। जाते हुए जेगुक उसे ट्रैश बताता है। चारों बाहर खाना खाते रहते हैं। होंगनान अपने हाथों से योन को खिलाती है और कहती है कि ये मेरे सोंगजे के लिए। सोंगजे खा लेता है। शिन अपने दूसरे सैंडल्स की भी हील निकाल देती है। जंग उसके लिए न्यू सैंडल्स लाता है और खुद से पहनाता है। किमसू ने दूर से देखता रहता है और सैड होकर चला जाता है। शिन उसके सैंडल्स वापस कर देती है। किमसू होंगनान से कहता है कि क्या वे उसे सिंड्रेला समझता है जो उसके लिए हील्स लेकर आया। होंगनान कहती है कि तुम लूजर्स की तरह वहाँ से आ गए, तुम्हें हारना नहीं है। किमसू कहता है कि अब मैं हेजोन हूँ। किमसू शिन से बात करने आता है। शिन कहती है कि मुझे परेशान मत करो। किमसू उसे पकड़ता है तो शिन की बैक में पेन हो जाता है। शिन को हॉस्पिटल से आते हुए दिखाते हैं। किमसू उसे हाथ पकड़ने के लिए कहता है। शिन उसे क्रेजी बताकर अंदर चली जाती है। किमसू उसके सैंडल देखता है और स्माइल करता है। वह होंगनान को सब बता देता है। वह कहती है कि जो तुमने पहले उसके लिए नहीं किया अब कर दो। मॉर्निंग मशीन सोचती है कि मैं सपना देख रही हूँ, उसके घर बहुत सारे सर्वेंट होते हैं, पर ये सपना नहीं होता। किमसू कहता है कि आज स्टोर बंद है तो तुम रेस्ट कर सकती हो, और सारे सर्वेंट्स को काम करने के लिए कहता है। वह घर के लिए बहुत सारा सामान भी ऑर्डर करता है और शिन के लिए मसाजिंग चेयर भी मंगाता है। शिन चिल्लाकर कहती है कि सबको यहाँ से बाहर भेजो। किमसू चुपचाप चेयर से खड़ा हो जाता है। सारे सर्वेंट्स भी चले जाते हैं। सब कहते हैं कि खाना हम बना लेंगे, तुम रेस्ट करो। तीनों डांस करते हुए खाना बनाते हैं। शिन उन्हें देखकर हंसती है। होंगनान सोंगजे से फाइट करने के लिए कहती है और कहती है कि यार तुम्हें डर लग रहा है। सोंगजे उसे इग्नोर करता है। तभी किमसू का कॉल आ जाता है और वह कहते हैं कि खाना ठीक नहीं बना। वह उसे हनी बुलाती है तो दोनों उसे देखते हैं। होंगनान कहती है कि मैं वहाँ आ रही हूँ। योन कहती है कि क्या तुम पागल हो, जो उसके लिए खाना भी बनाओगी, तुम वहाँ नहीं जा सकती। होंगनान कहती है कि मुझे उस इडियट की हेल्प करनी पड़ेगी। योन कहती है कि मैं भी जाऊँगी तुम्हारे साथ। सब उसके घर आ जाते हैं। होंगनान उसके डैड को हेलो बोलती है और योन को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। किमसू कहते हैं कि ये मेरी फ्रेंड है। होंगनान भी कहती है कि हम सच में फ्रेंड्स ही हैं। सब उसे देखते रहते हैं। होंगनान शिन को फ्लावर्स देती है और किचन में चली जाती है। सोंगजे और योन किमसू को देखते हैं। होंगनान किचन में आ जाती है। सब उसे कुकिंग करते हुए देखते हैं। शिन कहती है कि तुमने बहुत जल्दी खाना बना लिया। वह अपने आप को शेफ बताने वाली होती है पर बीच में ही कह देती है कि फैमिली बिजनेस यही था और हंसने लगती है। योन किमसू से यहाँ रहने का रीजन पूछती है। शिन बताती है कि हमारा क्रेडिटर है और इसे डर है कि मैं इसका घर सेल करके भाग जाऊंगी। योन शिन को बताती है कि इसकी पूरी फैमिली भी ऐसी ही है। होंगनान कहती है कि मैं इसे जानती हूँ, ये ऐसा नहीं है। सोंगजे का ध्यान गेम पर नहीं उसकी बातों पर ही होता है। होंगनान कहती है कि हैंडसम है, इसके सिक्स पैक्स भी हैं। सोंगजे जेलस फील करता है। किमसू से चुप करता है। कंप्यूटर में एक वीडियो होती है जो होंगनान को चाहिए, पर किमसू उसे डिलीट करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में टॉम एंड जेरी वाली फाइट चलती रहती है। सोंगजे का फोकस भी उन्हीं पर होता है। शिन गेट खोलने जाती है तो योन और सोंगजे उसे रोक देते हैं। योन शिन को साथ में ड्रिंक करने के लिए कहती है। सोंगजे कहता है कि तुम ड्रिंक नहीं कर सकती। दोनों उसका ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। होंगनान किमसू को वीडियो डिलीट करने से मना करती है। किमसू रोने लगता है। योन शिन से फ्रेंड बनने के लिए कहती है। वीडियो डिलीट होने पर होंगनान रोने लगती है। किमसू उसे चुप करता है। तीनों उन्हें ऐसे देख लेते हैं। किमसू उसे पुश कर देता है। सोंगजे को भी गुस्सा आता है। योन रियल किमसू की फोटो देखती है। सब लोग लंच करते हैं। किमसू अपनी फैमिली को देखता रहता है और होंगनान अपनी फैमिली को। सोंगजे भी एक प्रॉपर फैमिली को देखकर खुश होता है, पर होंगनान के देखने पर हंसना बंद कर देता है। किमसू के डैड सोंगजे से कहते हैं कि तुम ग्रोइंग बॉय हो, तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। होंगनान कहती है कि अगर ये और टॉल हो गया तो छत तक पहुंच जाएगा। वे कहते हैं कि हम इसे लैंप की तरह यूज कर लेंगे। सब हंसते हैं। होंगनान कहती है कि मैं इसे यहीं छोड़ देती हूँ। योन शिन से कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड स्टोर में मुझे अच्छे से ट्रीट करता था, चाहे मैं स्टार हूँ या ना हूँ, और हेजून भी ऐसे ही करता है। हैना को हेजून के साथ देखकर शिन स्माइल करती है। सब जाते हैं तो शिन योन से दोबारा आने के लिए कहती है। होंगनान भी शिन को हक करने वाली होती है पर किमसू रोक देता है। उन लोगों के जाने के बाद किमसू उसे अपनी जैकेट पहना कर कहता है कि चलो बाहर चलते हैं। हैना और डैड सो गए हैं। योन हेजून को अच्छा बताती है। होंगनान कहती है कि तुम सही कह रही हो। सोंगजून की बातें सुनता रहता है। योन उसे हेजून से दूर रहने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें सुनजिन ग्रुप के साथ इन्वॉल्व नहीं होना। होंगनान हंसने लगती है और कहती है कि मैं और उसके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। सोंगजे भी उसे देखता है। योन कहती है कि क्या वह शिन को लाइक करता है। योन एक्टिंग स्टार्ट करती है। होंगनान उसे घर ले जाती है। सोंगजे भी उन्हें देखकर स्माइल करता है। किमसू और शिन ड्रिंक करते रहते हैं। शिन पूछती है कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो। किमसू कहता है कि करता था और मुझे लगा था कि हम परफेक्ट मैच हैं, पर वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। होंगनान बॉक्सिंग करती है। सोंगजे को वही सीन याद आता है जब उसने किमसू को हक किया था। उसके बाद वह होंगनान को हिट करने लगता है और बार बार ऐसा ही करता रहता है।
यौन उन दोनों को देखकर स्माइल करती है। यौन के बेटे को खेलते हुए एक फोटो मिलती है। हेजुन खाते हैं, वह आग जलाने की कोशिश करता है और फाइनली आग जल जाती है। पायलट उसे लाइटर दिखाता है। शिन उसे कहती है कि तुम हमें कंफ्यूज मत करो, हम किमसू के बिना भी रह सकते हैं। किमसू कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकता। शिन कहती है कि क्या ये भी किमसू नहीं कहने के लिए कहा था और इसे लाइक करना नहीं कहते। किमसू कहते हैं कि चलो डेट करते हैं और पता लगाते हैं मैं कंफ्यूज हूँ या तुम। शिन कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। वे कहते हैं कि मैं किमसू से तो बेटर ही हूँ और कहते हैं कि चलो सब कुछ दोबारा स्टार्ट करते हैं।